प्रिय बच्चों, अब तक हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.1 दोनों एक्सरसाइज एनसीईआरटी के कंप्लीट करवाए हैं। उसको बहुत डिटेल से हम लोगों ने सीखा है। आइए एक्सरसाइज 2 पे बेस और भी अदर बुक से क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उसमें किया गया है। मैं संदीप वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल SHM पाठशाला पर फिर से स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इफ ट्रेंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट सी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज व्हाट। हिंदी में अगर बोलें तो यदि ट्रेंगल ABC का एंगल सी 90 डिग्री है तो कॉस ए प्लस बी का मान बताइए। क्वेश्चन में और कोई डाटा नहीं दिया गया। हमने फर्स्ट वीडियो में बताए थे टाइप नंबर 4 में कि जब भी कहीं भी एंगल की बात की जाएगी, कहीं भी एंगल की बात की जाएगी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऐसे क्वेश्चंस पार्ट नंबर 4 में करवाए गए हैं। आप पार्ट नंबर 4 आई बटन पे क्लिक करके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जब भी कोई यहाँ पर दिया जाएगा एंगल तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब बात आई कि दो पॉइंट्स और कहाँ पर लिखें, तो ए हमने यहाँ लिख दिया और बी हमने यहाँ पर लिख दिया। इन वैल्यूज को लिखने के बाद अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, खास ए प्लस बी की वैल्यू हमसे निकालनी है। अच्छा, ये एंगल समथिंग रहा होगा, ये एंगल कुछ होगा, लेकिन ये एंगल तो 90 डिग्री फिक्स हो गया है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में या कोई भी ट्रायंगल हो, एंगल जो इंटीरियर एंगल होते हैं यानी अंतः जो कोण होते हैं उनका समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोगों को यहाँ पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों क्यों ये होता है 180 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू इन्होंने 90 डिग्री दे रखा है। राइट एंगल एट सी का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दे रखा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 90 डिग्री। ए और बी को एंगल ए लिख दे रहे हैं और एंगल बी को ऐसे हमने उतार लिया और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा, इन दोनों इसको 90 डिग्री को इधर ले आकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू यहाँ से 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 को, तो यह आ जाएगा कितना हमारा, 90 डिग्री। अच्छा, इसी में बोला जा रहा है कास की वैल्यू हमको बताओ, तो हम क्या कर रहे हैं दोनों तरफ कास से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कास ब्रेकेट में ए प्लस बी। अच्छा, एंगल लिखो या ए प्लस बी लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एंगल ही वो बोलना चाहते हैं। एंगल बी इक्वल टू यहाँ पर भी कास अगर कर देंगे तो यह आ जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमने बताया था कास 90 मतलब 0 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कास 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो उन्होंने पूछा हमसे कि बताओ कास ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो कास ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट कास इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कास्ट 2 थीटा अपॉन 2, ये प्रूव करना है हमें। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें थीटा इक्वल टू दिया जाएगा, कुछ भी प्रूव करने के लिए रहेगा, तो उसमें LHS और RHS होता है, और जो भी यहाँ पर थीटा की वैल्यू रहेगी उसमें LHS या RHS लिखने के बाद उस थीटा की वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, LHS हम लिखते हैं, LHS। LHS कितना दे रखा है हमको, कास थीटा दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 30 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कास 30 डिग्री। कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, छोटी वाली वैल्यू लिखी जाती है, तो छोटी वाली वैल्यू में कितनी लिखी जाएगी, 1/2। सही है,
गलत है। ये वैल्यू कितना आ जाती है, रूट अंडर 3/2 होती है, ठीक है, रूट अंडर 3/2। हमने बताया था कि जब कास में छोटी वैल्यू रहती है तो यहाँ जो वैल्यू आती है वो बड़ी वाली वैल्यू आती है, यानी रूट अंडर 3/2 आएगी, ये बड़ी वैल्यू रहती है। अच्छा, इसका RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS में कितना आ जाएगा, RHS यहाँ पर लिखेंगे तो रूट अंडर 1 cos 2θ की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 30 डिग्री दे रखी है, तो 30 डिग्री अपॉन 2, तो यह आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो यह आ जाएगा कितना, cos 60 डिग्री और अपॉन में 2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1/2 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ से 2, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 2 2 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3। तो इधर हम लिख ले रहे हैं रूट अंडर 3/2 और पूरे का अपॉन में 2, ठीक है। तो इस वैल्यू को और भी सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो यह आ जाएगा रूट अंडर 3/2 × 1/2, यहाँ पर अपॉन 1 कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू इसकी नीचे आ जाएगी। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 2 बार आया तो एक बार आ जाएगा और रूट में अंदर 3 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो RHS की वैल्यू आई हुई थी, यानी जो LHS की वैल्यू आई हुई है वही RHS की वैल्यू भी आ गई है, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। यहाँ से देख लेंगे हम लोग तो यह आ जाएगा √3/2, LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो यह हमारा प्रूफमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd इसी का देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। बोला जा रहा है ट्रायंगल ABC इज आ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी एंड AC इक्वल टू √3BC, प्रूव दैट एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल B कितना हमारा 60 डिग्री, ऐसा वो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। हिंदी में अगर क्वेश्चन बोले तो बोला जा रहा है एक त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है और AC बराबर √3BC के है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ABC 60 अंश है। हमने फिर बता रहे हैं कि एंगल जो सी होता है, यानी एंगल यहाँ पर सी दे रहा है, ये राइट एंगल है, इसका मतलब एक हमको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। अच्छा, हमने बताया था कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिखें जो जिस पे राइट एंगल हो रहा होगा, तो यहाँ पर पॉइंट सी है तो यहाँ पर हमने सी लिख दिया। बचे हुए हमारे पास एंगल्स हैं ए और बी, तो हम यहाँ पर ए लिख दे रहे हैं और यहाँ पर बी लिख दे रहे हैं और इसको मीट कर दे रहे हैं, तो इस तरीके से एंगल ए और बी आ जाएंगे। अच्छा, इस एंगल के बारे में वो नहीं कुछ पूछ रहा, वो कह रहे हैं कि प्रूव करो कि एंगल जो बी है वह 60 डिग्री है, ऐसा वो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, जो गिवन डाटा यहाँ पर है सेकंड वाला, उसका हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर हम सिंपली लिख दे रहे हैं कि AC, ये सोल्यूशन है हम लोगों का, AC इक्वल टू √3BC। अच्छा, BC को इधर ले आकर डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा AC/BC इक्वल टू √3, ये √3 यहाँ से आ गया। अच्छा, AC/BC को हम क्या लिख सकते हैं, AC कहाँ पर लिखा है, AC ये लिखा हुआ है और BC कहाँ पर है, BC यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, हम लोगों को समझ में आया कि अगर हम एंगल यहाँ पर B को बनाना चाहें, क्योंकि हमको तो एंगल B चाहिए, तो B अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये इसका परपेंडिकुलर, अगर एंगल B को हम लोग ध्यान से देखें तो एंगल B के सामने वाली जो साइड होती है उसी को तो हमने परपेंडिकुलर बताया था, यानी साइड अपोजिट टू एंगल B। अगर हम लोग एंगल यहाँ पर BC, सॉरी साइड BC की बात करते हैं तो ये इसका बेस होगा, यानी साइड टू एडजेसेंट। तो यहाँ पर हम किस क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमने बताया था कि जो टैन थीटा की वैल्यू होती है, यानी टैन यहाँ पर बी अगर हम लिखना चाहें तो टैन बी लिखेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर AC होगा। अगर यहाँ पर बेस की बात की जाए तो बेस होगा BC, तो इसका मतलब हुआ कि AC/BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टैन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, AC और BC की जगह पर हम लिख दे रहे हैं टेन बी इक्वल टू √3। अच्छा, ये √3 आया हुआ है तो हम टेन में कौन सी थीटा की वैल्यू √3 होती है, तो हमने बताया था कि 60 डिग्री की वैल्यू, यानी टेन
60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह रूट अंडर 3 होती है। अच्छा 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। वैल्यू बार बार रिपीट हो तो उनको याद करो, तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3, 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं टेन 60 डिग्री, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया टेन बी। टेन और टेन दोनों सेम हो गए, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी इक्वल टू 60 डिग्री, या इसी को हम लिख सकते हैं एंगल बी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हमको प्रूव करना था एंगल ए बी सी, ये हमको प्रूव करना था। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया, बोला जा रहा है एक्स कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स इंटू 45 डिग्री की वैल्यू, कॉट 45, टेन 45 का रिवर्स होता है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री के लिए हमको कास 60 डिग्री आना चाहिए। कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कास बड़ा आ गया तो इसलिए उसकी जो वैल्यू आएगी वो छोटी वाली वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी 1/2, कास 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 2, उसका जस्ट अपोजिट यानी रेसिप्रोकल उसका, तो यह आ जाएगा 2। प्लस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 छोटी वैल्यू है तो इसलिए 1/2 वाला पार्ट रहेगा। अच्छा 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 1/8। अच्छा यहाँ प्रूफ नहीं करना, यहाँ पर एक्स दे रखा है, इसी की वैल्यू निकालनी है हमको क्वेश्चन में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 1/ नीचे यहाँ पर 4 आ जाएगा √1/8। ठीक, इनका एलसीएम ले लेंगे, 1/ कर ले रहे हैं तो यह आ जाएगा 4, वन का मल्टीप्लाई कर उनसे डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा तो यह आ जाएगा 4x, 1 से करेंगे तो 4 4 या 16 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। इस वैल्यू को इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 4x माइनस ये वैल्यू इससे सबट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा ये 15 इक्वल टू 1/8 इंटू 4, ये वैल्यू इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो यहाँ से 4 से कट कर दो तो 4 2 जा 8, 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो यह आ जाएगा 4x इक्वल टू 1/2, यहाँ पर माइनस है तो उधर जाके आ जाएगा ये प्लस में, तो यह आ जाएगा 15, इसका एलसीएम ले लेंगे अपान में करके तो यह आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 30, और सिंप्लीफाई इसको करते हैं हम लोग तो यह आ जाएगा 4x इक्वल टू 30 + 1, 31/2, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 31/2 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 31/8, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी है 31/8 आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें।